नमस्कार बच्चों, चैप्टर लिवरेज एनालिसिस। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑपरेटिंग लिवरेज को। ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में हमने समझा था कि ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें एक फैक्टर होता है सेल्स और दूसरा फैक्टर होता है ईबीआईटी। सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ईबीआईटी डिपेंडेंट फैक्टर है। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज़ करना मतलब आप फिक्स कॉस्ट को यूज़ करते हो। जब एक कंपनी फिक्स कॉस्ट को यूज़ करती है, इट मीन्स जब एक कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज़ करती है, तो सेल्स में जितने परसेंटेज से चेंज होगा ईबीआईटी में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होगा। बट ऑपरेटिंग लिवरेज का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज का जितना ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब एक कंपनी फिक्स कॉस्ट का जितना ज़्यादा यूज़ करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज होगी ही, बट सबसे बड़ा नुकसान है उसके साथ में कंपनी की ऑपरेटिंग रिस्क भी बढ़ती जाएगी। हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई ऑपरेटिंग रिस्क। और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हाई कब होगी? जब ऑपरेटिंग लिवरेज का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज का कम यूज़ किया जाता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी बट रिस्क भी कम होगी। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लिवरेज, दैट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशनशिप बताता है सेल्स और ईबीआईटी के बीच में। फाइनेंशियल लिवरेज रिलेशनशिप बताता है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। आप सबसे पहले तो फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कुछ पॉइंट को नोट करो। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। ये किसके बीच में रिलेशनशिप है? ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप है, इन विच ईबीआईटी इज इनडिपेंडेंट फैक्टर एंड ईपीएस इज डिपेंडेंट फैक्टर। ईबीआईटी इनडिपेंडेंट फैक्टर है और ईपीएस डिपेंडेंट फैक्टर है। जब ईबीआईटी में चेंज होगा तब ईपीएस में चेंज होगा। मीन्स ईपीएस इज डिपेंडेंट ऑन ईबीआईटी। एंड वॉट इज ईबीआईटी? ईबीआईटी इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चेंज होने पर ईपीएस में चेंज होगा। एक और पॉइंट नोट कीजिए, ईबीआईटी और ईपीएस में ईबीआईटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ईपीएस डिपेंडेंट फैक्टर है। लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो ईबीआईटी और ईपीएस में ईपीएस डिपेंडेंट फैक्टर है और ईबीआईटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एक और पॉइंट नोट कीजिए, व्हेन ए कंपनी यूज फाइनेंशियल लिवरेज मींस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी।
अगर एक कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करती है तो ईबीआईटी में जितने परसेंटेज से चेंज होगा, ईपीएस में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा। बट अगर एक कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज का यूज नहीं करती है, इट मींस चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल, दोनों का परसेंटेज चेंज इक्वल होगा अगर एक कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज का यूज नहीं करती है तो। इसका कॉन्सेप्ट सेम ऑपरेटिंग लिवरेज के जैसा ही है। हमने जो ऑपरेटिंग लिवरेज समझा था, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लिवरेज का है। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन लेकर फाइनेंशियल लिवरेज को बताता हूं। सिचुएशन फर्स्ट, ईबीआईटी रुपीज 50,000 लेस इंटरेस्ट। मान लेते हैं सिचुएशन फर्स्ट में कंपनी की कैपिटल में केवल इक्विटी है, मींस केवल शेयर कैपिटल है, डेब्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर डेब्ट कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? इंटरेस्ट होगा निल। अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 50,000, टैक्स की रेट 40% लेते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स 50,000, उसका 40% 20,000 टैक्स। नेट प्रॉफिट 30,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मान लेते हैं प्रिफरेंस शेयर भी नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। अर्निंग पर शेयर ईपीएस रुपीज 3, नेट प्रॉफिट 30,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, सो ईपीएस 3 रुपीज। सिचुएशन सेकंड, ईबीआईटी 50,000, इंटरेस्ट मान लेते हैं कंपनी 10,000 का इंटरेस्ट पे करती है, अर्निंग बिफोर टैक्स 40,000, टैक्स की रेट 40%, 16,000, नेट प्रॉफिट 24,000, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और अर्निंग पर शेयर रुपीज 2.4। हमने दो सिचुएशन ली, सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन फर्स्ट में कंपनी के पास डेब्ट नहीं है, केवल और केवल इक्विटी शेयर है। सिचुएशन सेकंड में कंपनी के पास में डेब्ट भी है। अब हम इन सिचुएशन में चेंज करते हैं। मान लेते हैं ईबीआईटी 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपीज हो जाए, डबल हो जाए। इंटरेस्ट निल, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, टैक्स की रेट 40%, 1 लाख का 40%, 40,000, नेट प्रॉफिट
60,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज। सिचुएशन सेकंड, ईबीआईटी 50,000 से 1 लाख, इंटरेस्ट फिक्स होता है 10,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 90,000, टैक्स की रेट 40%, 90,000 का 40%, टैक्स 36,000, 90,000 माइनस 36,000, नेट प्रॉफिट 54,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, अर्निंग पर शेयर रुपीज 5.4। अगर हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को कैलकुलेट करें, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, फर्स्ट सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज और वो बढ़कर हो गया 6 रुपीज, 3 रुपीज से 6 रुपीज, चेंज कितना 3, और किस पर चेंज, 3 पर चेंज है। इट मींस अर्निंग पर शेयर 100% से इंक्रीज हो गया, 3 रुपीज से 6 रुपीज, 3 रुपीज चेंज ऑन 3 रुपीज, इट मींस 100% इंक्रीज। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 50,000 ईबीआईटी से 1 लाख, चेंज कितना 50,000 ऑन 50,000, सो 50,000 का चेंज 50,000 पर, इट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100% से इंक्रीज। ईबीआईटी का चेंज 100%, अर्निंग पर शेयर का चेंज भी 100%। सिचुएशन सेकंड में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50,000 से 1 लाख, इट मींस 100% चेंज। अर्निंग पर शेयर पहले 2.4 था, अब 5.4 हो गया, चेंज कितना हुआ, चेंज हो गया 3 रुपीज, चेंज कितना हो गया 3 रुपीज, 3 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 100, 125%। फर्स्ट सिचुएशन में ईबीआईटी 100% से इंक्रीज किया हमने, ईपीएस भी 100% इंक्रीज हो गया, मतलब जितना इंक्रीमेंट हमने ईबीआईटी में किया, जितने परसेंटेज चेंज हमने ईबीआईटी को किया, सेम परसेंटेज चेंज अर्निंग पर शेयर में भी हो गया। बट इन सिचुएशन सेकंड हमने ईबीआईटी को 100% से चेंज किया, बट ईपीएस 125% से चेंज हो गया, और इसका रीजन है यूज ऑफ डेप्ट। इन फर्स्ट सिचुएशन हम डेप्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम डेप्ट का यूज नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज और ईपीएस का परसेंटेज चेंज सेम होगा। बट जब हम डेप्ट का यूज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, और इंटरेस्ट से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जितना होगा उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होगा। यूज ऑफ डेप्ट मींस यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एक कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करती है, मतलब एक कंपनी डेप्ट को यूज करती है। जब एक कंपनी डेप्ट को यूज करती है तो डेप्ट पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है। जैसे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में समझा था कि कॉस्ट 2 टाइप की होती है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से परसेंटेज चेंज इन सेल्स से ज्यादा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होता है। सेम उसी तरीके से जब एक कंपनी फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करती है, मींस जब एक कंपनी डेप्ट को यूज करती है तो डेप्ट पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट होता है। अगर ईबीआईटी बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, बट इंटरेस्ट के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जितने परसेंटेज चेंज हम ईबीआईटी को करेंगे, ईबीआईटी जितने परसेंटेज से चेंज होगा उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज हमें ईपीएस में मिलेगा, एंड इट इज फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला,
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट के इफेक्ट को बताता है। इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट। तो हम फाइनेंशियल लिवरेज में जब हमें इंटरेस्ट का इफेक्ट देना होता है तो हम फाइनेंशियल लिवरेज की कैलकुलेशन एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। इफेक्ट किसका? इंटरेस्ट का। फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक और है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। फाइनेंशियल लिवरेज एक कंपनी जितना ज़्यादा यूज़ करेगी, एक कंपनी डेब्ट को जितना ज़्यादा यूज़ करेगी, कंपनी को उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा और फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हम जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज चेंज ईपीएस में होगा। अगर फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू होती है 2, इट मीन्स अगर ईबीआईटी 1% से चेंज होता है तो ईपीएस 2% से चेंज होगा। अगर ईबीआईटी 10% से चेंज होता है तो ईपीएस 20% से चेंज होगा। बट अगर फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू आती है 5, इट मीन्स अगर ईबीआईटी 1% से चेंज होता है तो ईपीएस 5% से चेंज होगा। अगर ईबीआईटी 10% से चेंज होगा तो ईपीएस 50% से चेंज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा यूज़ करने का मतलब है हम डेब्ट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इक्विटी का यूज़ हम कम कर रहे हैं। बट फाइनेंशियल लिवरेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इज फाइनेंशियल रिस्क। एक कंपनी जितना ज़्यादा डेब्ट का यूज़ करती है, डेब्ट पर कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं, ईबीआईटी ज़्यादा हो ईबीआईटी कम हो, कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। अगर सेल्स कम हो गई तो ईबीआईटी भी कम हो जाएगा, बट कंपनी को इंटरेस्ट का अमाउंट तो फिक्स पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इन केस ऑफ इक्विटी, जब एक कंपनी शेयर का यूज़ करती है तो कंपनी शेयर्स पर डिविडेंड करने का कोई फिक्स कंपल्सरी चार्ज नहीं है। बट डेब्ट का जब यूज़ करती है तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही होगा। अगर कंपनी की ईबीआईटी इनसफिशिएंट है, इंटरेस्ट से भी कम है, फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही होगा, मतलब कंपनी को लॉस हो सकता है, कंपनी को रिस्क है। अगर कंपनी डेब्ट का यूज़ करती है तो कंपनी को डेब्ट की वजह से लॉस हो सकता है, क्योंकि कंपनी को डेब्ट पर फिक्स इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। एक बिजनेस में जितना ज़्यादा इक्विटी का फंड इन्वेस्ट होगा, डेब्ट का यूज़ कम होगा, उतनी कम रिस्क होगी। बट एक कंपनी में, एक बिजनेस में जितना ज़्यादा डेब्ट का यूज़ होगा और इक्विटी का यूज़ कम होगा, उस कंपनी में उतनी ही ज़्यादा रिस्क रहेगी। और ये जो रिस्क है, जो डेब्ट को यूज़ करने से हमारे बिजनेस में रिस्क क्रिएट होती है, दैट रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल लिवरेज का सबसे बड़ा बेनिफिट, फाइनेंशियल लिवरेज को ज़्यादा यूज़ करना मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, बट फाइनेंशियल लिवरेज को ज़्यादा यूज़ करना मतलब फाइनेंशियल रिस्क को इंक्रीज करना, हाई रिटर्न हाई रिस्क। बट अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज को कम यूज़ करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी बट रिस्क भी कम होगी। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, अगर आप ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो, तो फिर आप ज़्यादा लिवरेज का यूज़ कर सकते हो, फाइनेंशियल लिवरेज का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, मतलब आपकी कैपिटल में डेब्ट का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बट इट इंक्रीज रिस्क। हम फाइनेंशियल लिवरेज को इस इमेज से समझ सकते हैं, ईबीआईटी और ईपीएस, और ये इफेक्ट
ईबीआईटी में जितने परसेंटेज से चेंज होगा, ईपीएस में उससे ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होगा। एंड द रीज़न इज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। एंड व्हाट इज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इज इंटरेस्ट। आप जितना ज़्यादा डेब्ट का यूज़ करोगे, मतलब जितनी ज़्यादा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का यूज़ करोगे, फाइनेंशियल लिवरेज उतना ही ज़्यादा होगा, बट उतनी ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क भी होगी। हाई रिटर्न हाई रिस्क, लो रिटर्न लो रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज को यूज़ करने से जो रिस्क होती है, हमने उस रिस्क को नाम दिया है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज़ करने से जो रिस्क होती है, उसको हमने नाम दिया है ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क ड्यू टू ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ऑपरेटिंग लिवरेज में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल लिवरेज में फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज से ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल लिवरेज से फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग लिवरेज से, फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल लिवरेज से, करेक्ट? तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का। ओके, तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट सेम है। फाइनेंशियल लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू, वन इज ईबीआईटी, सेकेंड इज ईपीएस। फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस डिपेंडेंट फैक्टर है, ईबीआईटी इनडिपेंडेंट फैक्टर है। एक और फॉर्मूला है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा यूज़, फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि आप डेब्ट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी बट फाइनेंशियल रिस्क भी हाई होगी। फाइनेंशियल लिवरेज को कम यूज़ करने का मतलब है कि आप डेब्ट का कम यूज़ कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी बट फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है फाइनेंशियल लिवरेज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे कंबाइंड लिवरेज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।